डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर, मैं दीपक कुमार ठाकुर आप लोगों के समक्ष आज एक महत्वपूर्ण प्रकरण जो दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन से संबंधित है उसको लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जो आज का जो हम लोग का लेक्चर है BA पार्ट टू हिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थियों को लेकर लक्षित है। इसमें हम दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे। जब हम दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं तो देखते हैं कि हमें इसमें दिल्ली सल्तनत के राज्य का स्वरूप क्या था, दिल्ली सल्तनत में खलीफा का क्या भूमिका थी, दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान थे और खलीफा के मध्य क्या संबंध थे, और दिल्ली सल्तनत के शासन व्यवस्था पे उलेमा और अमीर वर्गों का क्या प्रभाव था, इन सभी पहलुओं को हम लोग एक एक करके देखेंगे। आज का जो हमारा प्रकरण है वह दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन को लेकर है। हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे सुल्तान का शासन होता था। सुल्तान शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है सत्ताधारी होता है, और सुल्तान सत्ता का द्योतक माना जाता था। दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था वह सत्ता का केंद्रबिंदु था और वह निरंकुश शासक के रूप में कार्य करता था। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का प्रधान होता था, और वह जो समकालीन वर्णन मिलता है उसे पता चलता है कि सुल्तान राज्य हित में अपने संसाधनों का प्रयोग करता था और उसके आदेश ही सर्वप्रमुख माने जाते थे। फिर भी सैद्धांतिक रूप से तो दिल्ली का जो सुल्तान था सत्ता का प्रमुख हुआ करता था, लेकिन हम देखते हैं कि व्यवहार रूप में अमीर उलेमा वर्ग और जो अन्य प्रशासनिक वर्ग था उसका सुल्तान पे भारी दबाव रहा करता होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान है उसकी जो शक्तियों पे कुछ प्रतिबंध भी दिखाई पड़ता है। दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय व्यवस्था की जो भवन थी वह मुख्य रूप से चार स्तंभों पे निर्मित थी। वे जो चार स्तंभ थे उसमें प्रथम है दीवाने विजारत, दूसरा है दीवाने अर्ज, तीसरा है दीवाने इंसा, चौथा है दीवाने रिसालत। फिर जो अन्य दो प्रमुख विभाग देखने को मिलता है वह है दीवान ए कजा और दूसरा सद्र उ सुदूर, सद्र उ सुदूर। इसके अलावा भी बहुत सारे विभाग हम अभी देखेंगे, तो आइए एक एक करके विभागों जो प्रशासनिक विभाग थे जो दिल्ली का सुल्तान था जिन मंत्रियों और अधिकारियों और विभागों से संपर्क करके उनसे सलाह मशवरा करके और उनके को आदेशित करके जो प्रशासन व्यवस्था चलाता था उसको एक एक करके देखा जाए। दीवाने विजारत एक महत्वपूर्ण विभाग था। इस विभाग की जो प्रकृति थी वह आज के प्रधानमंत्री के जैसा कहा जा सकता है, क्योंकि जो सारे विभागों के निरीक्षण परीक्षण जो सामान्य शासन था, जो उसके अलावा इसे वित्त प्रशासन के भी अधिकार थे और बहुत सारे विभाग इसके अधीन कार्यरत थे, इसलिए इसको प्रधानमंत्री या प्रधान अधिकारी के रूप में देखा जा सकता है। हम देखते हैं कि जो विजारत है दीवाने विजारत इसका अध्यक्ष जो होता था उसको वजीर कहा जाता था, और वजीर अपने सहायता के लिए नायब वजीर और अन्य अधिकारियों पर भी निर्भर रहता था। और इन सबों की कुछ की तो नियुक्ति स्वयं दीवाने विजारत भी कर लिया करता था, लेकिन कुछ की नियुक्ति सुल्तान सीधे करता था, और इसमें हम कई विभागों इत्यादि को आगे देखेंगे। देखते हैं कि जो दीवाने विजारत था उसका अध्यक्ष वजीर, वजीरों की दो तरह की हमें
जो कैटेगरी है देखने को मिलती है, इसमें जो मुस्लिम विधिवेत्ता है अलमावर्दी, वह दो तरह के वजीरों की चर्चा करता है, एक वजीरे तौफीद और दूसरा वजीरे तनफीद। जो वजीर तौफीद था इसको बहुत सारे विशेषाधिकार थे और यह राजा के आज्ञा के बिना भी कई नियमों विनियमों को लागू कर सकता था और कई प्रशासनिक कार्य कर सकता था, बस इसे उत्तराधिकार चुनने का अधिकार नहीं था। लेकिन जो दूसरे प्रकार के वजीर थे, वजीर तनफीद, ये वजीर इन वजीरों की शक्ति सीमित थी और ये सुल्तान की आज्ञा के आदेश के अनुसार ही और अपने अधिकारों के अनुसार ही कार्य करते थे। तो इस प्रकार हमें दो प्रकार के वजीर देखने को मिलते हैं। जो सल्तनतकालीन वजीर था इसके अधीन विभिन्न विभाग कार्यरत थे, उसमें अगर हम कुछ प्रमुख विभागों की चर्चा करें तो इसमें जो लेखाकार विभाग था जो आय व्यय का लेखन करता था, इसमें दो हम देखते हैं कि कुछ जो विवरण मिलता है थोड़ा उसमें भ्रामकता भी है कि एक जो वजीर है, वजीर के अधीन कार्यरत अधिकारी है, मुशरिफ है मुमालिक, कहीं पर मिलता है कि यह प्रांतों के आय का लेखन करता था, तो एक दूसरा अधिकारी है मुस्तौफी है मुमालिक, इससे विषय में चर्चा मिलता है कि यह राज्य के आय का लेखन करता था, लेकिन कहीं कहीं देता है कि मुशरिफ है मुमालिक जो था वह राज्य के आय और व्यय का लेखा जोखा करता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो दो अधिकारी थे, मुशरिफ ए मुमालिक या मुस्तौफी ए मुमालिक, ये दोनों राज्य के आय और व्यय का लेखा जोखा करने वाले दो प्रमुख अधिकारी थे। इन दोनों अधिकारियों के अलावा जो कुछ विभाग थे, जैसे दीवाने इसराफ जो लेखा परीक्षा विभाग था, इसी का अनुभाग दीवाने जो मुस्तौफी मुमालिक और मुशरिफ मुमालिक थे। फिर एक अन्य विभाग हम देखते हैं कि दीवान ए इमारत या लोक निर्माण विभाग। फिर एक देखते हैं कि दीवान ए अमीर कोही जो कृषि विभाग था। फिर मोहम्मद जो फिरोज शाह तुगलक था उसके समय में एक इमलाक विभाग था और जलालुद्दीन के समय में दीवान ए वकूफ नामक विभाग हुआ करता था जो सभी तरह के आय व्यय का निरीक्षण परीक्षण करता था। तो इसका तुलना अगर हम करें तो आज के जो महालेखा परीक्षा नियंत्रक जो है उसे कैग के अधिकार के समकक्ष से कहीं ठहरता है। फिर देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो कृषि विभाग की स्थापना किया था वो भी इसी के अधीन था। फिर एक जो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी, वह विभाग भी दीवाने विजारत के अधीन ही कार्य कर रहा था। वजीरों की शक्ति तुगलक काल में सबसे अधिक हो गई थी और सबसे निम्न इन लोगों की शक्ति थी बलबन के समय में। तो हम देख रहे हैं कि फिर तुगलकों के समय में, तुगलक काल के शासक हुए उन सौ के समय में वकील की जो वजीर था उसकी सहायता के लिए वकील ए सल्तनत नामक अधिकारी की भी नियुक्ति की गई थी। इस प्रकार देखते हैं कि जो दीवाने विजारत का जो अधिकारी है वजीर, यह काफी शक्तिशाली था और यह लगभग लगभग सारे विभागों के कार्यों का देख रेख करता था, क्योंकि वित्त का विभाग इसी के अधीन था और हर विभाग को वित्त की आवश्यकता रहती ही रहती है। फिर एक जो दूसरा महत्वपूर्ण विभाग था दीवाने अर्ज, यह सैन्य विभाग था। इसके अध्यक्ष को आरिजे मुमालिक कहा जाता था। यह विभाग सेना के भर्ती शिक्षण प्रशिक्षण, उसका सेना में जो व्यक्ति होते थे उसका सैनिकों के हुलिया रखना, घोड़ों की हुलिया रखना और इनके निरीक्षण की भी व्यवस्था करना इनका प्रमुख उत्तरदायित्व था। सर्वप्रथम हम दीवाने आरिज विभाग देखते हैं कि बलबन ने स्थापित किया था। हालांकि शाही सेना का निर्माण कर दिया था सुल्तान इल्तुतमिश ने, लेकिन सुल्तान गियासुद्दीन बलबन जिसका नाम है पूरा, उसने दीवाने आरिज विभाग की स्थापना की और यह सेना के
से संबंधित वेतन रसद इत्यादि सारे कार्यों को संपादित करता था। फिर जो एक तीसरा महत्वपूर्ण विभाग था दीवाने इंसा, जो दीवाने इंसा था इसके प्रमुख को दबीर खास कहा जा सकता है, कहा जाता था। और लेकिन हम मिन्हाज सिराज जो इतिहासकार हैं जिन्हें जिन्होंने तबकात नासरी की रचना की थी, उन्होंने इस विभाग को दीवाने अशरफ की संज्ञा दी है। यह विभाग जो है राजा के आदेशों को लिखने का कार्य करता था। और यह इस प्रकार यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग था, जो राजकीय जो आदेश थे जो फरमान थे वह इसी विभाग द्वारा लिखे और तैयार किए जाते थे, और इसी विभाग द्वारा इसको प्रसारित भी किया जाता था इसी विभाग के द्वारा। इस प्रकार यह एक प्रमुख विभाग था दीवाने इंसा। एक अन्य विभाग था दीवाने रिसालत, यह एक जो राजदूत आजकल के होते हैं जो नियुक्त होते हैं विदेशों में, उसी तरह का विदेश विभाग था। यह जो अन्य देशों में या अन्य राज्यों में जो नियुक्त राजदूत थे इसी विभाग को प्रत्यक्ष रूप से अपने समाचार इत्यादि सौंपते थे, और इसके माध्यम से इस विभाग के माध्यम से सुल्तान अपने आंतरिक और वैदेशिक नीति को प्रत्यक्ष रूप से देखता और नियंत्रित करता था। जो सूचना थी वह इसी के पास आती थी, जो राज्य से हो या केंद्र से अन्य राज्यों से। फिर हम देखते हैं कि कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि एक धार्मिक विभाग था, लेकिन यह प्रासंगिक मत नहीं है। यह एक विदेश विभाग था जिसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं राजदूतों के माध्यम से एकत्र की जाती थी और राजा के सूचना को उन जगहों पे भेजा जाता था। जो अन्य विभाग था, ये चार जो महत्वपूर्ण विभाग थे, इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण विभाग थे, हालांकि और सारे विभाग थे लेकिन जो दो महत्वपूर्ण विभाग थे, दीवाने कजा, इसका जो अध्यक्ष था काजी उर्कुजात या काजी मुमालिक कहा जाता था, और यह न्याय विभाग का अधिकारी था, न्याय का कार्य संपादित करता था। हालांकि राज्य का प्रमुख न्यायाधिकारी सुल्तान होता था, लेकिन उसके नीचे अगर कोई प्रमुख अधिकारी था न्याय से संबंधित तो काजी उल्कुजात था, और इसके सहायता के लिए नायब काजी, अदल और मुफ्ति इत्यादि की नियुक्ति की व्यवस्था थी। मुफ्ति धार्मिक मामलों का जानकार होता था और वह इसे सहयोग करता था। फिर एक अन्य विभाग था सदर उस्तुदू, यह एक धार्मिक विभाग था, और इस विभाग का कार्य था कि जो विद्वान हैं, जो उलेमा हैं, मौलवी हैं इत्यादि को से अपना उनको वेतन भत्ता इत्यादि देना और उनसे सहयोग लेना, जो शरीयत जो इस्लामी कानून है उसके उससे संबंधित वार्तालाप करना। और यह सदर सुदूर विभाग जो था सम्राट जो सुल्तान था उसको धार्मिक मामलों से संबंधित मुद्दों में उसका सहयोग करता था। फिर एक अन्य विभाग था दीवाने वरीद, यह गुप्तचर विभाग था, इसका जो अध्यक्ष था वरीद मुमालिक, यह सूचनाओं को राजा तक पहुंचाता था, और इसके यह प्रमुख संदेशवाहक था, डाक चौकियों इत्यादि की व्यवस्था भी इसी के अधीन थी और प्रमुख रूप से सूचना को सुल्तान तक यह पहुंचाता था। फिर जो अन्य महत्वपूर्ण जो विभाग थे केंद्रीय प्रशासन में सल्तनत काल में, वह हम देखते हैं कि एक विभाग था अमीर हाजिब, इसके पदाधिकारी को बारबक भी कहा जाता था, अमीर हाजिब भी कहा जाता था और कहीं कहीं बारबक भी कहा जाता था। यह दरबार में शिष्टाचार एवं जो वैभव को स्थापित करने वाले थे, दरबार में शिष्टाचार और दरबार के वैभव को उससे संबंधित नियम इत्यादि यह बनाता था, और इसी के माध्यम से कोई भी सूचना सुल्तान तक पहुंचती थी, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण विभाग हुआ करता था सल्तनत काल में। एक अन्य विभाग देखते हैं दीवाने रियासत, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, यह बाजार नियंत्रण से संबंधित विभाग था, और ये इसके अधीन बहुत सारे सहना मंडी सहना बरीद मुनियान इत्यादि अधिकारी नियुक्त थे, और इसके माध्यम से ये बाजारों का पर नियंत्रण स्थापित करता था, जो तय
मूल्य सूची थी, उसके आधार पे वस्तुओं को खरीद बेच की जाती थी। इसी वक्त विभाग के अधीन के जो अधिकारी थे वह इसका देख रेख करते थे और बाजारों में वस्तु की कमी न हो इसका भी देख रेख यह विभाग करता था। फिर एक विभाग है वकीले दल, या जो राजा राजकीय घरानों में खाना वस्त्र आभूषण इत्यादि की व्यवस्था इसको करना पड़ता था। हम देखते हैं कि यही विभाग जो आगे मुगल काल में मीर ए सामान जो विभाग था, जो राजकीय दरबार से संबंधित कार्यभार खान पान वस्त्र इत्यादि को देखता था, उसका ही यह एक तरह का प्रतिरूप था। फिर देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के समय में बहुत सारे विभाग खुले, दीवाने बंदगाह, यह दासों की व्यवस्था और उससे संबंधित समस्याओं इत्यादि को देख रेख करने वाला विभाग था। एक विभाग था दीवाने खैरार, यह दान विभाग था और इसी के अधीन एक विवाह विभाग भी था जिसके माध्यम से दान इत्यादि देखता था और विधवा मुस्लिम या मुस्लिम लड़कियों गरीब लड़कियों की शादी इत्यादि की व्यवस्था करता था यह विभाग। एक विभाग दीवानी इमारत या लोक निर्माण विभाग या अफीफ इसे इमारत खाना कहते हैं, एक इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी और यह निर्माण कार्य संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को देखता था। इसी तरह कुछ अन्य विभाग थे जैसे मजमूआदार या आय व्यय का लेखा रखता था, उधार इत्यादि देनदारियाँ थी उसको देखता था, तो खजांची कोषाधिकारी था, सर जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का नायक होता था, तो अमीरे जो मजलिस होता था वह सभाओं उत्सव दावतों का प्रबंधन करता था, तो अमीरे आखुर जो था अश्वशाला का प्रधान था, उसी तरह अमीरे शिकार जो था वो शिकार इत्यादि की व्यवस्था करता था और अमीर ए पील जो है हस्त विभाग का प्रमुख था। इसी तरह एक अन्य महत्वपूर्ण बात, दीवाने इस्तिहाक या इस्तिहाक का हम उल्लेख मिलता है, यह एक पेंशन विभाग था जो वृद्धों मजदूर निम्न वर्ग के व्यक्तियों साधु संतों इत्यादि को दान इत्यादि दिया करता था। इसी तरह हम देखते हैं कि जो सुल्तान के सलाह मशवरा इत्यादि के लिए विभाग था मजलिसे आम या मजलिस ए खलवत, यह सुल्तान को सहयोग करने हेतु था और यह सुल्तान के मित्रों और सहयोगियों से मिलकर यह एक विभाग बनता था जो सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करता था। इसी तरह एक महत्वपूर्ण विभाग हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन में शाही कारखाने। शाही कारखानों में रातवी और गैर रातवी यानी कि एक को शाही जो निश्चित अनुदान इत्यादि मिलता था और एक को निश्चित अनुदान इत्यादि नियमित रूप से नहीं मिलता था, उस आधार पर बांटा गया है। तो इन शाही कारखानों में मुशर्रिफ जो है वह महानिदेशक का काम करता था और एक जो कारखाने थे विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य करते थे जो राजदरबार और जनसामान्य इत्यादि के लिए भी हो सकता था। इस तरह हम देखते हैं कि एक सुव्यवस्थित केंद्रीय प्रशासन की नींव दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने की और विभिन्न प्रकार के विभागों का निर्माण समय समय पे होता रहा। इस प्रकार हम लोगों का जो ये प्रकरण है केंद्रीय प्रशासन दिल्ली सल्तनत का वह पूरा होता है और इसके अगले लेक्चर में हम लोग प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।